केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। पिछले 2 साल तो प्रशासन तो इंसाफ की मांग नू लेके पटक रहे पत्रकार मदन शर्मा वालों राष्ट्रपति नू लिखती पत्र भेज के इंसाफ की मांग की गई सी। ते जे इंसाफ ना मिलिया तो 14 अगस्त 2019 नू इच्छा मृत्यु की उन्हां वल्लों मंग की गई, जिस नू पूरा करन दे विरोध विच संयुक्त राष्ट्र संगठन तो उन्होंने अपील की है कि उन्हां नू भारत विच इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस करके उन्हां नू किसी भी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान इराक बंगलादेश म्यांमार जां श्रीलंका विच शरण दित्ती जावे। आओ सुनो पत्रकार मदन शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र नू की अपील की थी। पिछले 2 साल तो लगातार हिंदुस्तान विच इंसाफ नहीं भटक रहा हाँ, ते किते भी इंसाफ दी कोई किरण नज़र नहीं आई, जिस दे विरोध विच अज दे दिन मैं राष्ट्रपति तो भी इच्छा मृत्यु की मंग की सी, पर ओ भी सिरे नहीं चढ़ पाई, जिस नू लेके अज मैं संयुक्त राष्ट्र UNO विच लैटर भेज के अपील करता हाँ कि मैनू पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान श्रीलंका बंगलादेश म्यांमार किसी भी देश के दे शरण दवाई जाए, ताकि भारत के इस संविधान तो इन्ह लोगों तो मेरा छुटकारा हो सके, ताकि मैं अपना अगला जीवन अपने बच्चों समेत आनंदमई जी सकता। यह चौथा थम मानने पत्रकारी एक दुनिया का चौथा थम है। तीन चीजा तो जो पब्लिक न्याय नहीं मिलता, सरकारी अदारे पोलिटिकल पार्टियां जां संस्थावां, चौथा एक को राह पा जाता है पत्रकार। चलो सर एक गल होर सी, मदन शर्मा वाले केस के एक इस तरह एक नाम के लड़के की मौत का जिक्र आ जो अभी मदन शर्मा जी गलबात हुई, इस केस बारे कुछ कहना चाहोगे? देखो जी केसर सिंह के परिवार को मैं हुण पता लगा कि केसर सिंह की मौत का जिम्मेवार जिहड़े भी होणगे उन्हां ते कारवाई करावांगे। यह कला मदन लाल शर्मा जी का मसला नहीं, यह समूह पंजाब के भाईचारे का मसला अज इन्हां नाल होई है, कल नूं किसी होर नाल भी हो सकती है। सियाणे की एक कहावत है कि कोई रस्ते च उन्हां स्याह लंघ गया तो बह के रोण लग पिया, किसे मेरे वर्गे ने पुछा भी रोंदा क्यों आ, आंदा स्याह लंघ गया, आंदा 10 रुपए का स्याह आ, आंदा नहीं मैं सहे नूं नहीं रोंदा मैं पहे नूं रोंदा। असीं उस सहे नूं नहीं रोंदे, असीं जिहड़ी मदन लाल जी शर्मा नाल घटना वापरी आ इन्हां नूं बिना कस्टडी तों जेल च भेजा गया, इन्हां दे FIR भी दर्ज कीतियां गईआं, मानसिक तनाव भी दित्ते गए, जिथों के मदन लाल शर्मा जी इन्ने किन्ना तों दुखी हो गए आ कि आउट ऑफ इंडिया दे कंट्रियां चो शरण मंग रहे ने, जिदा पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया अरब कंट्रियां जिस तरह UNO नूं चिट्ठियां कढ रहे ने, इहदा मतलब कहण दा कि भारत सरकार दे अंदर मानव अधिकार दा संघर्ष खत्म हो चुका, मानव अधिकार लई कोई जगह नहीं हैगी। इहदा मतलब सानूं पंजाब दे विच जिथे पत्रकार नूं न्याय नहीं मिल सकदा उहदे आम जनता दा की हाल हुंदा होवेगा, इह समूह भाईचारे नूं सोचना पवेगा ते साथ देना पवेगा। असीं साथ देवांगे तन मन धन दे नाल,
ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ SSP ਜਿਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਕੀ ਹੈ। देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल KPD न्यूज़, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।